Hello student, you are welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss topic motion from class 9th. तो सबसे पहले हम motion को define कर लेते हैं और उसका explanation को कर लेते हैं. A body is said to be in motion if it changes their position with respect to reference point and time. रेफरेंस पॉइंट के जगह पर हम सराउंडिंग में लिख सकते हैं. रेफरेंस पॉइंट के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सराउंडिंग में लिख सकते हैं. तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन. ठीक है, तो मोशन को समझने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा. रेफरेंस पॉइंट को हम हमेशा रेस्ट में मानते हैं, रहता है ये हमेशा एट रेस्ट होता है, ये रेस्ट में रहता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करता है तो उसको मोशन में कहते हैं, अगर वो पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट में बोलते हैं. तो मोशन या रेस्ट इसको हम जब भी डिफाइन करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में करते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में पोजीशन को चेंज करता है विद पासेज ऑफ टाइम तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे. अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट में कहते हैं. तो दैट मीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. तो ये दोनों टर्म्स कैसा होता है? ये होता है रेस्ट और मोशन जो होता है वो आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं, दोनों रिलेटिव टर्म्स है. कैसे बोल सकते हैं? तो दो रेस्ट को भी डिफाइन करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट का मदद लेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए भी हमको रेफरेंस पॉइंट का मदद लेना पड़ेगा. तो रेस्ट या मोशन तभी हम बता पाते हैं जब रेफरेंस पॉइंट को देखते हैं. रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये पोजिशन को चेंज करेगा तो मोशन में कहलाएगा, अगर पोजिशन को चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट में कहलाएगा. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. नथिंग इन द यूनिवर्स इज कम्प्लीटली एट रेस्ट और कम्प्लीटली इन मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है. ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है. कोई चीज़ किसी फ्रेम से रेस्ट में रहता है, दूसरे फ्रेम से वही चीज़ मोशन में रहता है. जैसे हम मून से धरती के हिल को, पहाड़ी को, पर्वत को देखते हैं तो वो मोशन में रहता है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम उसी पहाड़ी को धरती से देखेंगे तो वो रेस्ट में नज़र आता है. तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप ट्रेन में हैं तो ट्रेन में जब देखते हैं किसी लगेज को या किसी दूसरे पैसेंजर को तो वो रेस्ट में नज़र आता है. अगर आप ट्रेन से बाहर ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो ट्रीज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह वो पीछे की तरफ मोशन करता हुआ नज़र आता है. ठीक है, और ग्राउंड में बैठा हुआ इंसान अगर आपको या आपके साथ ट्रैवल करने वाले पैसेंजर को देखता है तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है. ठीक है,
तो आपने जो पैसेंजर ट्रेन में देखा वो रेस्ट में था आपके लिए, लेकिन ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो हम एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी कह सकते हैं, मोशन भी कह सकते हैं। तो वो डिपेंड किस पे किया, तो पॉइंट फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड किया। और दूसरा बात, हम रेस्ट या मोशन को रिलेटिव टर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बताने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको रिलेट करना पड़ता है, दोनों को रिलेट करना पड़ता है। अगर मोशन कर रहा है तो वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपना मोशन को चेंज, ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज टाइम के साथ नहीं करता है। अब चलिए मोशन के जितने भी पैरामीटर्स है या मोशन को समझने के लिए जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो टर्म्स जिससे हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनमें सबसे पहला टर्म्स जो है वो डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा स्पीड है, और फोर्थ वन वेलोसिटी, फिफ्थ एवरेज वेलोसिटी, सिक्स्थ एक्सीलरेशन, सेवन्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और एट जो है ग्राफिन मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस को डिफाइन हम लोग करते हैं, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से मोशन को स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, और फिर यहाँ से पॉइंट सी तक गया। इस सिचुएशन में अगर ए से बी 8 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर प्लस 4 मीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ ए से बी हो गया 8 और बी से सी 4, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 12 मीटर। तो डिस्टेंस वही पाथ लेंथ है जिससे होकर कोई ऑब्जेक्ट मोशन को करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन, इट कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा, इट कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, इसमें हमको स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को लगाने का जरूरत नहीं है। दूसरा है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। और उसके बाद डिस्टेंस कांट बी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास तीन टर्म्स है जिसको याद करना है डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल अलजेब्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन
object is called displacement. तो displacement हमारा क्या चीज़ है? The shortest possible path length between initial and final position of an object is called displacement. कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसको ए से बी तक जाने का ढेर सारा पॉसिबल पाथ हो सकता है। तो इस पाथ से होकर भी जा सकता था, इस पाथ से होकर भी जा सकता था, ये स्ट्रेट भी जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा? तो ये स्ट्रेट वाला पाथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस यही है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉसिबल है। अगर ऐसे भी जाएगा तो पॉसिबल पाथ क्या रहेगा? ए टू बी स्ट्रेट रहेगा। तो स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो नोट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस के यूनिट के बराबर ही होता है, ठीक है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। और इट मे बी, डिस्टेंस तो हमारा ऑलवेज क्या था? पॉजिटिव था। लेकिन इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कौन? तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वी कांट ऐड टू डिस्प्लेसमेंट बाय सिंपल अलजेब्रा। के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कांट बी added by simple algebra। जैसे distance को हम जोड़ सकते थे लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते हैं, add नहीं कर सकते हैं इसको, तो displacement को। So it is a vector quantity, we need to add to displacement by vector law of addition। चलिए तो एक example लेकर समझते हैं, what is displacement and distance। तो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है मोशन को और ये 4 मीटर जाता है पॉइंट बी तक, और फिर ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 90 डिग्री पर जाता है, ठीक है, और ये 3 मीटर है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा 4 मीटर और प्लस 3 मीटर, तो कितना मीटर हो गया? 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के मिलाने वाला पॉइंट लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट होना होगा तो ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको गौर से देखेंगे तो ये पाइथागोरस लगा के ही निकलेगा। तो पाइथागोरस को याद कीजिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा कोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस मान लेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच का स्क्वायर जो होगा वो होगा पी का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो यहाँ पर h को हम लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, तो यहाँ पर a टू b जो मिलाने वाला लाइन था उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए करेंगे क्या?
तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। और 25 का कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 7 मीटर था और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था। तो हम यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो डिस्टेंस जो है या तो ग्रेटर होता है या इस इक्वल होता है किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 से ग्रेटर। इक्वल भी होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही पाथ में रहेगा, एक ही लाइन पे रहेगा। जैसे पी से क्यू कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो स्ट्रेट पाथ है और वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होगा, लेकिन डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट किसी जनरल पॉइंट के लिए क्या होगा, वो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। सिर्फ इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पार्टिकल जो है पॉइंट ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है और सी से डी तक जाता है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा उसको निकालना है, व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को भी निकालना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको निकालना है। तो डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल लेंगे, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया, ए से बी किया, बी से सी किया, सी से डी किया, तो डिस्टेंस हो गया 18 + 18 + 6, तो 36 + 6 42 मीटर का क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो कवर हुआ वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेगा वही क्या कहलाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस वन, तो इसको जो है प्रोड्यूस कर देते हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूस हो गया, उसको हमको फाइंड आउट करना है तो निकल आएगा। तो ये लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये उतना ही होगा जितना ये 6 मीटर है, तो ये तो 6 मीटर आ गया, ठीक है। तब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 18 + 6 24 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 18 है तो ये भी 18 होगा। तो अब जो इसको लिखेंगे हमारे पास जो ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल कैसा होगा, तो अब जो हमारा पाइथागोरस लगाने के लिए जो ट्राइंगल मिलेगा तो वो हो जाएगा आपको 18 + 6 24 मीटर आ जाएगा इधर, और ये है 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर होगा, तो 18 मीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हाइपोटेन्यूस को निकाल लेंगे तो यही क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस जो हमारा है 24 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर 18 का स्क्वायर है, अब दोनों में जो है 6 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। ये चलिए एक बार लिख देते हैं, ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 6 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 × ये हो जाएगा 25, तो ये 30 मीटर का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्टेंस कितना था, 42 मीटर। हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में मांगा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल ए से बी तक जाता है। तो ए से बी तक जाता है तो इसका मतलब डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस तो हम पहले के लिए लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर, तो
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो ये क्वेश्चन नंबर वन है, और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ। तो इनिशियल पॉइंट हमारा आई है, मतलब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो इसको स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा यहाँ, तो ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना 7, तो 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी जो है वो डिस्टेंस से स्मॉलर है, इसको भी दिमाग में रखना है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है पी टू क्यू गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये जो पी टू क्यू है वो 1/4 है, तो 1/4 इंटू 2πr, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू पाई आर, इसको लिखेंगे 1/2 22/7, और रेडियस इसका भी 7 मीटर है, तो 7 कट जाएगा, 1 जाएगा, तो 11 मीटर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 11 मीटर। कहाँ से कहाँ, तो पी से क्यू तक जाने में, पी से क्यू तक जाने में कितना लगेगा 11 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ होगा पी टू क्यू, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलाने वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा ये वाला, तो ये रेडियस 7 मीटर, तो ये रेडियस भी 7 मीटर, तो ये देगा हमको डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसको हम आगे इसको हम लिख सकते हैं 7√2, तो 7√2 का 1.4 होता है, तो 9.8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है इससे, डिस्टेंस से। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें है, यहाँ ए से बी तक जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम ओरिजिन से दूर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये भी दूर जाना हुआ, ठीक है। लेकिन ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक में 3 मीटर ये हुआ, मान लेते ये पॉइंट पी है, तो ए टू पी 3 मीटर, ठीक है। फिर पी से बी तक 8 मीटर, तो डिस्टेंस तो हमारा सीधा निकल गया 11 मीटर हो गया 3 और ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, तो ओरिजिन के राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो कितना लेंगे प्लस 3 मीटर, और ओरिजिन के तरफ आ रहे हैं, ओरिजिन के क्या तरफ जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे -8, तो ये क्या हो जाएगा -5 मीटर। तो मतलब हम ओरिजिन के पीछे माइनस साइन बता रहे हैं, हम ओरिजिन के पीछे -5 मीटर चले गए, तो ये हुआ। तो डिस्टेंस यहाँ पर 11 मीटर और डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो स्पीड क्या है, the rate of change of distance is called speed। तो इसको लिखने के लिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं हम t टाइम में s डिस्टेंस को कवर करते हैं, s इज डिस्टेंस, और t क्या है, तो t हमारा टाइम है, तो t टाइम में हम s डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो वही उसका रेट हो जाएगा, तो वही हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं स्पीड।
स्पीड को हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, एस पाई टी। एस क्या है, डिस्टेंस, टी क्या है, टाइम, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, ठीक है, इट कांट बी नेगेटिव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट वरी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टरली अलग लिखते हैं, लेकिन हम वेक्टर को यहाँ नाइन्थ में ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब सिम्बोलिकली वी ही लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसा हमने स्पीड को निकाला था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं एक्स है, टाइम को टी मान लेते, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। और इसके पास डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट उतना ही होता है जो स्पीड का हुआ था, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये जो होगा, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, इट मे बी, इसको भी लिख लेते हैं, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कौन चीज, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसको जो हम ऐड करेंगे वो बाय वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, पाइथागोरस से, ना कि किससे, सिंपल अलजेब्रा से नहीं कर सकते, सिंपल अलजेब्रा से वेलोसिटी को कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। क्वेश्चन में पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक जाता है, बी से सी तक, सी से फिर डी तक। तो इस सिचुएशन में ए टू बी जो है वो 16 मीटर चलता है, ठीक है, और फिर बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी जो है हमारा ये 4 मीटर चलता है। तो इस सिचुएशन में स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, उसको निकालना है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी 10 सेकेंड है, तो स्पीड जो होगा हमारा वो हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना का कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया हमको 16 मीटर और प्लस 5 मीटर और प्लस 4 मीटर, 25 मीटर किया, और टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस हो गया 25 मीटर और टाइम लिया 10 सेकेंड, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात कर लें, तो वेलोसिटी जो हमारा होगा वो होगा, वो हो जाएगा हमको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना का किया, तो वो किया, उसको निकालना पड़ेगा हमको पाइथागोरस से, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो हमको ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये लंबाई बी टू डी टू ई जो होगा वो कितना होगा, जितना ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर ये हो जाएगा, और ए टू ई कितना हो जाएगा, तो ए टू ई जो होगा वो हो जाएगा 16 माइनस 4, तो 12 मीटर। तो कुछ फिगर इस तरह से बनता है, ये 12 मीटर और ये 5 मीटर, 12 मीटर, तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, ये देता, तो 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाता रूट 169, ये 13 हो जाता, और हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 13 से यहाँ पर डिवाइड 13 बाई 10 कर देंगे, तो 1.3 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल तो ये है हमारा, तो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, अगर उसको नॉर्थ ईस्ट साउथ में बात करें डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ ऊपर वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट वाला ईस्ट,
और लेफ्ट राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट, और डाउन वाला जो होगा वो साउथ होगा। तो गाड़ी कैसे चल रहा है, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या देंगे, नॉर्थ ईस्ट दे देंगे। क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी और स्पीड। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पीड जो है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड बाय वेलोसिटी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बाय वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इसको भी दिमाग में रखना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू, टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज, ठीक है। तो वी एवरेज जो है उसको हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सोन, टाइम भी अलग अलग लग सकता है, कभी सेम भी लग सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब टाइम नहीं रहेगा तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो इसका यूज कर लेंगे, जब डिस्टेंस रहेगा वेलोसिटी रहेगा तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। नहीं अगर दिया रहेगा तो सबको पहले से डाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेकर समझते हैं जो एवरेज स्पीड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहा है एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर है, और उसको जो कवर करता है वो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से करता है। फिर पॉइंट पी से बी तक जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको मान लेते हैं वी वन, इसको मान लेते हैं वी टू। तो हमारे पास ये डिस्टेंस और स्पीड है, तो हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले वो ए से पी गया 240 किलोमीटर, फिर कितना गया, पी से बी तक गया 45 किलोमीटर, और उसके बाद टाइम की बात कर ले तो टाइम जो पहला टाइम लगा वो लगा टी वन और ये टी टू। तो टाइम तो हम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टी वन बराबर हो जाएगा डी वन बाय वी वन। तो ठीक है, तो यहीं पर डाल देते हैं, इसको ऐड करके तो 285 हो जाएगा, 285। और टाइम जो हो जाएगा हमको डी वन हमको कितना है 240, और उसको कितना स्पीड से कवर किया तो 60 की स्पीड से किया, तो प्लस 60। और दूसरा वाला जो टाइम है वो टाइम कितना लेंगे, तो वो डिस्टेंस 45 और किस रफ्तार से गया था 90 से, ठीक है। तो इसको अब लिख सकते हैं 285 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा 285 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1, ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 से देखते हैं कट जाता है, 39 जा 27, 35 जा ये हो जाएगा 35 जा 39 जा 27
बचा कितना 135 जा, तो ये हो जाएगा आपको 25 जा 10 और 29 जा 18 19 बाई 3, तो ये हो जाएगा 36 जा 18 33 जा 63 किलोमीटर पर आवर इज द आवर एवरेज स्पीड। इसको लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर इज द आवर एवरेज स्पीड। यहाँ लिख देते हैं 63.3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल या कोई व्हीकल टाउन पी से टाउन बी तक जाता है और फिर टाउन बी से टाउन पी तक रिटर्न बैक हो जाता है उसी पाथ से। जाने का स्पीड V1 था और लौटने का स्पीड V2 था, तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिक जो है एवरेज स्पीड का वो क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है एक्स जाने का और एक्स आने का मालूम नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स जाने का तो आने का भी एक्स होगा और टाइम अलग अलग लगेगा क्योंकि स्पीड हमारा अलग अलग है। अभी इस सिचुएशन में हमारे पास टाइम तो है नहीं, टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो T1 होगा तो डिस्टेंस D1 बाय V1 होगा, फिर D2 डिस्टेंस बाय V2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय D1 हमारा x था स्पीड V1 था और D2 हमारा x था स्पीड V2 था, तो इसको लिखेंगे 2x x कॉमन 1/V1 प्लस 1/V2 इसको लिखेंगे। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय x को यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 1/V1 प्लस 1/V2। अर्थमेटिक मीन है ये सब एलेवेंथ में पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर 2V1 प्लस V2 इंटू क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। निकल गया। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे जब डिस्टेंसेस जाने का और आने का सेम रहेगा, ये हमारा एक्स जो है कॉमन कट जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पे तब डिपेंड नहीं करेगा जब आने जाने का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सीलरेशन और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकेगा तो ग्राफ को भी टच कर लेंगे। से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई कार जो है, ये कोई व्हीकल है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी होगा कितना उसको फाइंड आउट करना है। एवरेज वेलोसिटी का हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 10 प्लस 10 टाइम T1 प्लस T2, ये 20 बाय T1 और T1 हो जाएगा D1 बाय V1, तो D1 हमारा 10 है और V1 हमारा कितना है 60 और D2 हमारा कितना है वो भी 10 है और वेलोसिटी कितना है 40। तो अभी इस सिचुएशन में इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 इंटू 1/60 प्लस 1/40, तो यहाँ पर ये 10 का जीरो कट जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/10 ले लेंगे तो 1/20 ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 1/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 40 ऊपर में 20 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे आगे 240/5 तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड। या इस प्रॉब्लम को हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है,
इक्वल डिस्टेंसेस है, तो उसके लिए फॉर्मूला लास्ट वाला स्लाइड में किए थे हम लोग। फॉर्मूला था हमारे पास वी एवरेज इक्वल टू 2 इंटू वी वन इंटू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, ये फॉर्मूला था। तो 2 इंटू वी वन था 60 और वी टू कितना था 40 और प्लस 60 प्लस 40 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 6 120 इंटू 40 बाय 100, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो इससे भी 48 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और मोशन ग्राफ को टच करेंगे, ठीक है। अगर क्लास 9th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।